अस्सलाम वालेकुम भाईवान। तो हम उठ चुके हैं सहरी में, तो सहरी के लिए हम कर रहे हैं तैयारियाँ। यहाँ बन रही है मेरी चाय और यहाँ मैं कर रही हूँ रोटी फ्राई। तो मैं सब कर रही हूँ, सहरी की थोड़ी बहुत तैयारी हो रही है, मैं बस रोटी फ्राई कर ही रही हूँ। पर पता नहीं क्यों ये रोटी है ना मेरे साथ, बस सॉफ्ट वाली फ्राई हो जाए जो चाय के साथ खा ली जाए, क्योंकि खमीर रोटी थी घर में तो हमने सोचा ही फ्राई कर लेते हैं। और चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है हम लोग। तो ये भी फ्राई करने की कोशिश में लगी हूँ मैं, बट होनी चाहिए सॉफ्ट, तो इसलिए मैं इसको सॉफ्ट करने में लगी हूँ। और ये मैं कर रही हूँ घी लगा लगा के सॉफ्ट, बट मैं जैसे चाहती हूँ ना वैसे ही हो जाए। अगर वैसे ही हो गई तो लाजवाब खाने में आ जाएगा मज़ा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसको खमीर की रोटी, जो बाजार की रोटी होती है फ्राई करके चाय के साथ खाने किसको अच्छी लगती है, किसको पसंद है। आप लोगों को थोड़ा मेरा फेस ऐसा लग रहा होगा सोता सोता, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी एकदम से। फिर मैं उठी हूँ, पापा ने उठाया कि सहरी नहीं करो एकदम रखो, तो इसलिए हम उठ के बैठ चुके हैं, अब सहरी की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों ने तो सालन रोटी खा लिया है, बट मैं सिर्फ चाय एंड रोटी खाऊंगी, चाय के साथ रोटी ओनली। एंड मैं सोकर उठ चुकी हूँ सहरी में। मैं सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, मेरी आँखें ना मेरी आई बिल्कुल ओपन नहीं होती, तो मैं सोचे से सो गई थी। एंड अब मैं नमाज़ पढ़ी है, उठ कर नमाज़ पढ़ी है मैंने, क्योंकि लेट सोते तो उठने में भी लेट हो जाता ही है। तो बस उठ के जिस टाइम मैंने नमाज़ पढ़ी है एंड अब व्लॉग शूट कर रही हूँ आप लोग के लिए, और देखते हैं आज कल होता पूरा दिन कैसे गुजरता है। सारा दिन तो हमने सोने में निकाल ही दिया, क्योंकि हम देर में उठते हैं सुबह, तो आधा दिन तो हमारा सोने में निकल गया, थोड़ा सा दिन तो बचा ही आधा, और गुजर जाएगा कोई बात नहीं, वो भी अल्लाह पाक की दुआएं देंगे। रोज़ा रोज़ा ऐसा पता नहीं चलता, आराम से रख लिया जाता है। तो देखते हैं तालीम क्या लेकर आते हैं पापा, क्या बनता है इसका। और आप सब लोग भी मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा किस किस ने रोज़ा रखा है आज का, ओके। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किसका रोज़ा है आज और किसका रोज़ा नहीं है, ठीक है। हमने नमाज़ पढ़ ली है, हमने सबकी नमाज पढ़ ली है, अब हो रही है रोज़े की तैयारी, और हो रहे हैं कुछ फ्राइज़ वगैरह भी फ्राई। क्या फ्राई कर माई गॉड अहमद, आपने रोज़ा नहीं रखा है, ये क्या खा रहे हो फिर। और अभी ये कह रहे थे कि इन्होंने टोपी ओढ़ ली, आप मुझे क्या कहते हैं पजामा पहना दो टोपी पहना दो सही वाली, मैं भी रोज़ा रखूँगा। और अब देखो खाने पीने वाला रोज़ा तुम्हारा अहमद, खाने पीने वाला रोज़ा रखा है इन्होंने, शापी यहाँ पर पकौड़ी पकौड़ी फ्राई कर रही है। अरे वाह, किस किस की पकौड़ी फ्राई कर रही है मैं शापी, आलू की प्याज की और पनीर की। ओहो पनीर की भी, पापा लेकर आए हैं जरूरी पनीर। लो पापा तो बस, पापा तो पनीर के बिना ना इनका गुजार नहीं, तो पनीर की पकौड़ियाँ तिच लगती है ना इनको, स्टार्टिंग में पनीर की पकौड़ियाँ जरूर चाहिए होती है, रमजानों में भी इनको इतना अच्छी बड़ा शोर आ रहा है। तो इनको रमजानों में भी पनीर की पकौड़ियाँ चाहिए और अब भी पनीर की पकौड़ियाँ चाहिए, सही है। हमारे तो मज़े हैं, हमें तो खाने को मिलेगी मज़े मज़े की चीज़ें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पर बन रहे हैं कचालू, अहमद आपने बनाई है, नहीं 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 चम्मच लेके तो ऐसे बैठे हो तुम अहमद, जैसे कि आपने बनाया हो, ड्रामा करवा लो भाई, एक्टिंग एक्टिंग करवा लो अहमद से एक्टिंग। हम लोग वेट कर रहे हैं रोज़ा खोलने का, बस रोज़ा खुलने वाला है थोड़ा सा टाइम में। क्या खोलोगे? अच्छा पकौड़ियाँ दिखा रहे हैं, पकौड़ियाँ बनी हुई हमारी, ये हमारी छट बनी, बस रोज़ा खुलने दो पहले, बस ये मैं दिखाऊंगा खाने के लिए, बोने का खाना है ना इसलिए दिखा रहे हैं, इसलिए हम वेट करते जल्दी से रोज़ा खुल जाए ताकि हम अपना रोज़ा खोले। तो पहले दुआ मांगे पनीर की पकौड़ी, हमारी पनीर की पकौड़ी मैंने सब आलू की पकौड़ियाँ खा ली। A few moments later. हमारा रोज़ा खुल चुका है एंड अब हम नमाज पढ़ने वाले हैं, मगरिब की नमाज।
हर बार मैं पता ही पर्दे सही करती हूँ, फिर हर बार कोई ना कोई इसे ख़राब कर देता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कितनी बार पर्दों को ठीक करूँ ये बताइए, थक जाती हूँ मैं रोज़ाना डेली ये करते करते। ये अहमद होता है, ये आएगा यूँ करेगा पर्दे को फिर चला जाएगा, आएगा यूँ करेगा पर्दे को फिर चला जाएगा, ये करता है मुझे परेशान करता रहता है। चलो मैं नमाज़ पढ़ूँ, कल पता चला नमाज का टाइम, बाय बाय। मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, बना ली है मैंने, पूरी पक चुकी है चाय, देख सकते हैं आप लोग पूरी बन चुकी है चाय, सब चाय का वेट कर रहे हैं। चाय पूरी बन जाए तो मैं दिल के चाऊँ, मेरे भी बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है रोज़ा खोलने के बाद। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है, रोज़ा खोलने के बाद सर में दर्द क्यों होता है, समझ से बाहर ये बात। और दिल करता है बस बचाओ, जबकि हमने इतना खाया नहीं, थोड़े से झाड़ू बनाया था आज हम लोगों ने, बट फिर भी सर में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। दिल करता है बस चाय पिला दो, चाय मिल जाए जल्दी से मिल जाए, तो बस मुझे जल्दी से बना रही हूँ, जल्दी से बनता है निकाल लें। ले आई हूँ मैं बना के चाय अपनी, मैंने रख दी है यहाँ पर, और मैं थोड़ी देर में बस पीने वाली हूँ, थोड़े दिन लेट जाती हूँ उसके बाद। 2000 years later हम खाने लगे हैं, हम खाना लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़ वाली भूख, तो हम खाना खा रहे हैं। खाने में बनाया है इन्होंने बैगन, बैगन मैं खाती नहीं तो इसलिए मैं कल वाला सालन खा रही हूँ, बैगन मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं खाती नहीं, मैं कल वाला सालन खा रही हूँ, ये लोग बैगन खा रहे हैं, बैगन गोश्त खा रहे हैं। तो हमने खाना खा लिया है, मैंने भी खाया था कल वाला सालन एंड सबने खाया था बैगन। और अब मैं ब्लॉग को करी पर एंड, क्योंकि अब मैं पढ़ूँगी नमाज इशा की, तो मैं पढ़ूँगी नमाज इशा की और मैं ब्लॉग को करी पर एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।